हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने देखा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वहाँ पे हम लोग ने देखा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। सो उसके बेसिस पे ही है यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर डिनोटेड बाय i कैप, j कैप, k कैप। फॉर x एक्सिस इज i कैप, y एक्सिस इज j कैप एंड फॉर z एक्सिस इज k कैप। कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। O इज द ओरिजिन पॉइंट। नाउ फॉर x एक्सिस यूनिट वेक्टर इज i कैप, फॉर j y एक्सिस यूनिट वेक्टर इज j कैप एंड फॉर z एक्सिस यूनिट वेक्टर इज k कैप। कंसिडर करते हैं पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। नाउ पॉइंट A इज ऑन x एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट पॉइंट इज x 0 0. Point B is on y axis, so x coordinate is 0, y and 0. And for C point, C is lies on z axis, so coordinate point is 0, 0, z. Therefore, position vector, OA bar, और सिंपल ए बार, पोजिशन वेक्टर डिनोट करते हैं सिंपल ए बार, बी बार, सी बार, अदरवाइज ओ ए बार। सो दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप। फॉर ओ बी बार, ओ बी बार एक्स एक्सिस इज 0, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब है जे, सो वाई जे कैप एंड ओ सी बार इज नथिंग बट जेड k कैप। सो दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या डिनोट करते हैं, i कैप, j कैप एंड k कैप। नाउ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। सो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय कोई भी वेक्टर, और डिनोट कैसे करते हैं, पी कैप, ए कैप, बी कैप, ऐसे डिनोट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट उसका फॉर्मूला देखते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है पी कैप इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कैप का मतलब, कैप डिनोट होता है फॉर यूनिट वैक्टर, बार का मतलब है पोजिशन वैक्टर, और टू वर्टिकल लाइन्स का मतलब है मैग्नीट्यूड। सो टू मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड यूनिट वैक्टर ऑफ फॉलोइंग। सो यूनिट वैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, यूनिट वैक्टर इज नथिंग बट, सो यूनिट वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी दिया है, पी 2 3 1, और बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ। नाउ यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले पोजिशन वेक्टर पता होना चाहिए, देन उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। सो फर्स्ट फाइंड करते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, वेक्टर ऑफ पी। पोजिशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे, इन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो 2i प्लस 3j प्लस k एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज नथिंग बट, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट
टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर. सो आंसर इज टू का स्क्वायर इज फोर प्लस नाइन प्लस वन. सो आंसर इज रूट फोर्टीन. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी. सो फॉर्मूला में पुट करेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ पी. सो यूनिट वेक्टर अलोंग पी, यूनिट वेक्टर अलोंग पी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. नाउ पोजिशन वेक्टर इज टू आर प्लस थ्री जे प्लस के अपॉन मैग्नीट्यूड इज रूट फोर्टीन. से होगा इसका फाइनल आंसर. यूनिट वेक्टर पी कैप इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स रिलेटेड यूनिट वेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड यूनिट वेक्टर. फाइंड एबी बार एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एबी बार. दो पॉइंट फाइंड करना है. वन मार्क के लिए एबी बार है, यूनिट वेक्टर अलोंग एबी बार फॉर टू मार्क्स. सो स्टार्ट करते हैं. जो भी पॉइंट देते हैं यहाँ पे ए दिया है बी दिया है, सो पहले उसको कंसिडर करते हैं पोजिशन वैक्टर. सो लिखेंगे लेट ए बार इज इक्वल टू आई कैप 2j प्लस 3k, v बार इज इक्वल टू 2r माइनस j प्लस 6k, r पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a एंड b रिस्पेक्टिवली. सो वेक्टर में जो भी कैपिटल मतलब वेक्टर पॉइंट है, पॉइंट डिनोट होता है कैपिटल लेटर से, पोजिशन वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए I, J, K जो भी पॉइंट रहेगा उसको पोजिशन वेक्टर में कन्वर्ट करना. X एक्सिस के लिए I, Y एक्सिस के लिए J, Z एक्सिस के लिए K. सिमिलरली फॉर पॉइंट. नाउ फाइंड करना है वेक्टर ए बी बार. सो ए बी बार पोजिशन वेक्टर ए बी बार, जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था पोजिशन वेक्टर पी क्यू बार होता है. सो सॉल्व कैसे करते हैं, क्यू बार माइनस पी बार. सो सिमिलरली ए बी बार है तो लिखेंगे कैसे, बी बार माइनस ए बार. नाउ बी बार इज 2i माइनस j प्लस 6k माइनस a बार इज i प्लस 2j प्लस 3k. नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं सो हम लोग को वैल्यू मिलेगा ए बी बार 2 माइनस r, आंसर इज r. माइनस j माइनस 2j माइनस 3j, 6k माइनस 3k आंसर इज प्लस 3k. सो फाइनल आंसर इज I माइनस 3j प्लस 3k. सो फर्स्ट फाइंड करके हो गया, फाइंड बोला था ए बी बार. सो ए बी बार का आंसर क्या मिला, I माइनस 3j प्लस 3k. नाउ फॉर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला है पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. सो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार अगेन फॉर्मूला इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर. वन स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर. सो आंसर इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस नाइन प्लस नाइन. नाइन प्लस नाइन इज एटीन प्लस वन. सो आंसर इज रूट 90. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू रूट 90. नाउ फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार. सो फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार. फॉर्मूला इज पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. नाउ पोजिशन वेक्टर आंसर मिला है आर माइनस थ्री जे प्लस थ्री के अपॉन मैग्नीट्यूड इज रूट 90. सो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव अलोंग पी बार. सो सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे. सो यूनिट वेक्टर का अगेन फॉर्मूला है पी कैप इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड। सो सबसे पहले पोजिशन वैक्टर फाइंड करेंगे। पी का पोजिशन वैक्टर पी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i प्लस 9j प्लस रूट 10 की, दैट इज अ पोजिशन वैक्टर। सेकेंड पार्ट इज उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस रूट 10 का स्क्वायर इज 10। सो आंसर इज 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 10 इज 100। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार इज नथिंग बट 10। नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो पी कैप इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर इज 3i प्लस 9j प्लस रूट 10 के अपॉन मैग्नीट्यूड इज 10। सो हो गया क्वेश्चन का हाफ पार्ट जो हम लोग ने फाइंड किया यूनिट वेक्टर ऑफ पी। तो क्वेश्चन में पूछा है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अलोंग पी बार। सो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अलोंग पी बार इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अलोंग पी बार इज इक्वल टू 5 इनटू यूनिट वेक्टर। सो आंसर 5 इनटू यूनिट वेक्टर 5 इनटू यूनिट वेक्टर का आंसर है 3i प्लस 9j प्लस रूट 10 के क्या अपॉन 10। सो 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 वन जा एंड 5 टू जा। सो फाइनल आंसर इज 3i प्लस 9j प्लस रूट 10 के अपॉन 5। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अलोंग पी बार। होमवर्क देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी उस पॉइंट पी है 7, 3, -2। सेकेंड इज फाइंड ए बी बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार एंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 अलोंग ए बी बार। और पॉइंट्स दिया है कैपिटल ए 2, -3, 1 एंड कैपिटल बी 1, 2, -3। सो आज के लेक्चर के दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखना इजी है, पी कैप इज इक्वल टू, नाम याद रखो मेरा, पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। पी का मतलब है पोजिशन वेक्टर, एम का मतलब है मैग्नीट्यूड। पोजिशन वेक्टर आई जे के कैप में लिखते हैं और मैग्नीट्यूड का मतलब है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सरसाइज में भी बहुत जगह यूज होने वाला है। सेकेंड एग्जाम्पल में बोला है फाइंड ए बी बार। सो फर्स्ट ए बी बार कैसे फाइंड करेंगे, बी बार माइनस ए बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड 7 अभी जो किया हम लोगों ने। सो 7 इंटू यूनिट वैक्टर ऑफ ए बी बार। सो आज के लेक्चर के दो एग्जाम्पल से होमवर्क के लिए।